पाश, पाश ना किया सरदारी की दौलत को वापस बढ़ाओ नवाज शरीफ हम तुम्हारे साथ ना कि मैं नहीं ये पीछे देखू तो कोई मेरे साथ ना हो थोड़ा रेस्ट के लिए भी टाइम निकालो आज फैसला कर ले और इन पतों को पास कर दे दिन रात करप्शन हो रही है और सबसे बड़ा नवाज शरीफ तुमने लूटा है सदियों हमारा सकून सरदारी वेलकम बैक टू थ्री 360 शेख रशीद अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं आजकल की सियासत और स्पेशली आज की सियासत पे अपना नज़रिया दे रहे हैं हमेशा एक इनसाइड खबर अगर उनकी नहीं भी होती तो एक तज्जिया और एक प्रोडिक्शन ज़रूर होती है बहुत इंटरेस्टिंग तरफ बात लेकिन निकल चुकी थी ब्रेक से पहले उन्होंने इंकशाफ किया था कि कियानी साहब की एक स्टेटमेंट थी जिसमें दबे अल्फाजों में जैसे ये पैगाम था कि हमें तो नहीं पता था वो सामा की रेड का लेकिन शायद किसी और को पता हो तो शेख साहब अगर आपने इस तरह इसे इंटरप्रेट किया या रीड किया तो आपके ख़्याल से इशारा क्या साहब का किस तरफ था या वो कहाँ एक तरह से अंधिया देना चाह रहे थे कि आवाम सोचे आर्मी से अपनी अटेंशन हटा के इस मौजू पर मेरा ख़्याल है ये कवर ड्राइव थी और स्मार्ट लोगों के लिए ये इशारा था हमें भी ये मैसेज स्मार्ट लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए जो जो अक्ल और फरासत रखते हैं जो जुमलों की गहराई को समझते हैं और जुमलों की गहराई के इस्तेमाल से वाकिफ़ हैं लेकिन इससे फिर हम एक ठीक है आप नाम नहीं लेना चाह रहे लेकिन क्या हम इससे फिर एटलीस्ट ये समझें कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं जो कि पहले आ, बहुत क्लियर थे कि जमहूरीत को और इस हुकूमत वक्त को बिल्कुल इंटरफियर नहीं करना आगे चलते रहने देना है तो शायद अब कुछ बाल आ गया है इस रिलेशनशिप में क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं से अमेरिकन को सपोर्ट हासिल थी कि वो ये कर पाए लेकिन उनसे हासिल नहीं थी और जाहिर है आर्मी गंदी हुई है इसमें ऑफ कोर्स इसमें कोई शक नहीं है आप देखें जिस तरह एन का रोल था एपटाबाद में और जिस तरह एन को अब टाइट किया जा रहा है क्योंकि फंड्स का ज्यादा माल तो एन खा गए हुए हैं जिस तरह एन का घेरा तंग किया जा रहा है और जिस तरह अब खुली आंख से उनके साथ बात की जा रही है और जिस तरह पाशा साहब का टूर हुआ सो ये सारी बातें शो करती हैं कि एक दूसरे के अतमाद को बुरे तरीके से ठेस पहुँची है लेकिन हमारी और उनकी दोनों की मजबूरी ये है दोनों का मफाद इसी में है कि ये कच्चे धागे का रिश्ता नहीं बन सकती और रिश्ता कायम रहेगा अपने अपने मफादात को देखते हुए इसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे लेकिन ना ये टूटने की पोजीशन में होगा ना ये ज़बरदस्त कोई जुड़ने की पोजीशन में होगा सो so, ये भी एक नज़रिया ज़रूरत होगा शेख साहब ये इस्टेबलिशमेंट के करीब जाना या इस्टिशमेंट की राय के बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ पर फिर अब इमरान खान साहब के बारे में ज़रा ज़्यादा गैर संजीदगी से अब बात नहीं की जा सकती क्योंकि उन्होंने काफ़ी जो कंजर्वेटिव वोट बैंक है लाहौर में उसका स्विंग जो है शायद इमरान खान साहब की तरफ जा सकता है चार पाँच सीटें वो नवाज शरीफ साहब की अंडरमाइन कर सकते हैं तो आप समझते हैं कि इस्टबलिशमेंट अगर बैक कर रही है तो इमरान खान साहब के साथ साथ शहबाज़ शरीफ साहब से भी मुजाकर कर रही है ये फ्यूचर एलेक्शन के लिए मैं नहायत जिम्मेदारी से कहता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम इस्टेबलिशमेंट को अपनी पड़ी हुई है शुमाली वजीरस्तान से ले कर कट्टी पहाड़ी तक उनके अपनी सोचों के अंदाज़ हैं क्योंकि वो इलेक्शन के लेवल पर नहीं सोचते वो मुल्क की सतह पर सोचते हैं और इमरान ख़ान नवाज़ शरीफ का जो ग्राफ गिरा है उसका फ़ायदा यकीन लोग दोनों बड़ी पार्टियों से तंग हुए हैं और लोगों का ख्याल है ये दोनों पार्टियों नूरा कुश्ती कर रही हैं और मैं भी ये समझता हूँ कल परसों तक थर्ड पार्टी चैनल जो हैं जिसे क्या कहते हैं कौन सा थर्ड डोर कहते हैं या बिहाइंड दी कर्टन या चलमन के पीछे इनके किसी लोगों और अफराद के ज़रिए ये रबते कायम हैं ये रबते टूटे नहीं हैं और आदमी इनकलाबी नहीं हो जाता अपने शेर व शायरी करने से जालिब साहब के शेर जो हैं वह सदा बहार ज़िंदा रहते हैं लेकिन जब जालब ज़िंदा रहा उसके साथ क्या हुआ और जब भी मैंने देखा है कि लोग इनकलाब की बात करते हैं पाकिस्तान में एक और शादी कर लेते हैं मैंने अक्सर सियासतदानों को ये देखा है कि जब वो बहुत सारा इनकलाब इनकलाब बात करते हैं तो ये लोग अंदर से कोई और इनकलाब ला रहे होते हैं इनकलाब के लिए देखें चीनी का भाव ये निकाल रहे हैं इस मुल्क में मोस्टली शुगर मिलें सियासतदानों की दूध का भाव नवाज़ शरीफ साहब एक नया हमजा शहबाज़ साहब एक नया दूध का प्रोजेक्ट ला रहे हैं दूध का भाव ये निकालते हैं चूज़ों का भाव ये निकालते हैं सरिए का जो गरीब की बेसिक नेसेसटी की चीज़ें हैं उनका भाव इनके घर से निकलता है इनके कोई मसले नहीं हैं जिसके मसले हैं वो बेचारा देखता है आसमान की तरफ ना उसको कोई सुकून मिल रहा है ना उसका किसी पे यकीन बैठ रहा है वो टटोलियाँ मार रहा है और वो ना उसके हाथ आसमान पे लग रहे हैं ना पाँव ज़मीन पे लग रहे हैं किसी को फिक्र नहीं है इकॉनमी की महंगाई की तो शेख साहब ये लोग जब गरीब की आवाज़ बनते हैं तो कैसा लगता है सर कम से कम आपके घर लोड शेडिंग तो होती है मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप आप भी या मैं भी कोई बहुत ही ज़्यादा इन टच हैं विद द, प, विद पॉवर्टी इन पाकिस्तान लेकिन जब ये शेवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब इतनी गर्म गर्म तरीके से शेवाज शरीफ साहब बिलखसूस ये हबीब जालिब साहब की शायरी करते हैं सर तो कैसा आपके ख्याल में उनको समझ आ रही होती है वो? बस आप शायरी पे रहें गालिब की शायरी कई लोग वो करते हैं जिनको उसका तर्जमा नहीं आता कि गालिब क्या कह रहा है इस मुल्क में इंप्रेशन क्रिएट करना होता है इस मुल्क में दे आर नॉट दे आर लेकिन शेख साहब ये जो शरीफ बरादरान हैं कुछ लगता ये है कि एकदम से सारा जोर शरीफ बरादरान पे ही छोड़ दिया है नहीं हम दूसरी तरफ आएंगे खुला आएंगे खुला नहीं देंगे उन्हें लेकिन मैं सिर्फ ये क्योंकि आपकी एक हिस्ट्री उनके साथ रही है तो आपसे एक पर्सपेक्टिव हम जानना चाहते हैं शरीफ बरदरान की रीसेंट सियासत में हमने देखा है कि वो एकदम से जज जजेस की बहाली के बाद उस वक्त तो नुकतः रूज पर थी उनकी सियासत मतलब रिसेंट टाइम्स में लेकिन उसके बाद कभी एकदम से ऊपर जाते हैं और एक काफ़ी एनर्जी होती है उनकी पार्टी में और फिर लगता नहीं कि कोई मोमेंटम पकड़ पाती है उनकी बात और कोई मूवमेंट के आ, की तरफ बात नहीं जाती और फिर वो नीचे आ जाते हैं फिर नवाज शरीफ़ साहब मुल्क में नहीं होते कुछ अर्सा फिर कुछ हो जाता है फिर बयानबाजी आर्मी के ख़िलाफ़ आईएसआई आए के ख़िलाफ़ कभी एमक्यूएम के खिलाफ और लेकिन फिर चुप हो जाते हैं तो अब ये जो रिसेंटली इन्होंने थोड़ी एनर्जी दिखाई है इनके इलेक्शन भी हुए लग ये रहा है कि जैसे कुछ ऑर्गेनाइज्ड होने की अब वो कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन की तरफ़ देख रहे हैं जरदारी साहब के हवाले से बहुत फोकस्ड हो रहे हैं नेगेटिव हो रहे हैं तो क्या ये इसमें अब कुछ मोमेंटम उन्हें मिलेगा या ये भी वही चीज़ होगी कि फ्लैश इन द पैन के दो हफ़्ते उन्होंने शोर किया और फिर चुप हो गए एक तो शहबाज शरीफ साहब या उनकी टीम नवाज शरीफ साहब के आगे बोल नहीं सकती ये सारी कॉम जेन में रख लें उनमें इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो उनके आगे बोल सकें सेकेंडली जब तक ये रिज़ाइन ना दें इस मुल्क में कोई सियासी बहरान ये बातें ज़रूर करेंगे उस डिबेटिंग क्लब के खिलाफ और जो शबाज़ शरीफ साहब ने एक बयान दिया कोर्ट की हमायत में मैं समझता हूँ दर हकीकत उन्होंने आसफ़ जरदारी साहब के हाथ महफूज किए और कोर्ट के ख़िलाफ़ लोगों को ये बात करने का मौका मिल गया कि ये तो नून के करीब है ये अदालती फैसले हालांकि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है सारी कौम की सपोर्ट है लेकिन वो जिस टाइम पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनका बयान सुप्रीम कोर्ट के सख्त जो उनके क्या होते हैं जुमले या जो उनके आब्जरवेशन होती हैं उनके इतने करीब था कि पीपल्स पार्टी ने उसको बड़ा ख़ूबसूरत तरीके से खेला और फिर पार्लियामेंट को पीछे खड़ा कर दिया अपने साथ और जब पार्लियामेंट खड़ी होती तो मेरा ख्याल है अक्सरीत से उसके साथ लोग ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है शेख साहब कि अब ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी मुझे नज़र आ रही है हालांकि पाकिस्तान के मफाद में बिल्कुल नहीं नज़र आ रही और वो ये है कि हुकूमत और एग्जेकटिव से आ, फोकस हटा के पार्लियामेंट को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया जाए और उसे दिखाया जाए गलत रंग दिया जाए कि ये पार्लियामेंट और लोगों के नुमाइंदे और सुप्रीम कोर्ट का मसला है हालांकि ये है ऐसा बिल्कुल भी नहीं लेकिन अब जब पार्लियामेंट में अगर ये डिबेट लेके जाएगी पीपल्स पार्टी तो आपके ख़्याल से इसके क्या नतज निकलेंगे देखें अभी तो वो तलखीन नहीं नहीं दो दो चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी इस्तेमाल की एक हेलरी का फ़ोन दूसरा पार्लियामेंट में ले जाना वाज ए वेरी स्मार्ट मूव थर्डली एक क्या साहब की तस्वीर मुस्कुराती हुई जो बड़े अरसे के बाद उन्होंने दिखाई वो एक आ, किसी फ़ोटो सेशन कोई अफ्तः जो प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने किया उस फोटो को भी उन्होंने क्योंकि पाकिस्तान के लोग कैमरा देख देकर या टी वी देख देख कर बड़े स्मार्ट हो गए हैं वो कपड़ों से चेहरों से मुस्कराहटों से अंदाज़ा लगाते हैं और इतनी मुस्कुराहट बड़ी तस्वीर क्या साहब की उन्होंने बड़े अरसे बाद देखी ये सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी के हक़ में गई और दूसरी तरफ आ, आप ये कह रहे हैं सन 2011 में क्योंकि हमारे फौजी आर्मी के चीफ ने मुस्कुरा दिया टीवी के लिए तो पीपल्स पार्टी का हुक्मरान जमात का फायदा हो गया क्योंकि वो हंस रहे थे मैं लोगों की बात करता हूं लोग जो हैं अगर टी वी अगर माथे पे त्रिढ़ियाँ हों और तलखी हो तो उससे कुछ और अक्सर कहा देखें अब टी वी जो है पहले एक अपर क्लास या लोअर मिडिल क्लास तक था अब ये मिडल क्लास मिडिल क्लास तक अब ये लोअर मिडिल क्लास तक आ गया उसके साथ साथ उसकी सोचें बड़ी महदूद सी होती हैं वो आर्मी किसी सियासत में मुलवस नहीं लेकिन क्या आपका थोड़ी कहने का मकसद है कि लोगों को परसेप्शन ये मिला मैं अपनी पार्टी, अपनी पार्टी के अपनी बात को दोबारा दोहराना नहीं चाहता मैं आगे जाना चाहता हूँ ठीक है ठीक है वो बात समझ आती है जाहिर है कि उन्होंने ये इम्प्रेशन देने की कोशिश की कि भाई आर्मी भी साथ है खुश है कोई आदमस्त है नहीं हो सकता और ये पार्लियामेंट भी जो है वो साथ है और सुप्रीम कोर्ट को जो है ये ख्याल करना चाहिए एक मैसेज सुप्रीम कोर्ट को भी गया इससे लेकिन देखें सुप्रीम कोर्ट का भी एक डायलमा है कि अगर वो अपने फैसले इस हद तक जो है वो फ्लाउट होने देगी तो एतमाद लोगों का उनमें कम भी होगा तो ये जो ब्रिंकमेनशिप पे बात आती है और ये पीपल्स पार्टी तीन कदम आगे जाती है फिर चार कदम पीछे भी ले लेती है सॉरी करके ये स्ट्रेटजी इनका टाइम तो बढ़ा रही है लेकिन ये कब तक चलेगा ये तो तीन साल से तक यही तक कर रहे हैं देखें अभी तो उन्हें 12 मार्च तक ये ले जानी है और अगर 12 मार्च तक या इस साल के एंड तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता और कोई बड़ा फैसला नहीं आता जिसके तो ना आने की या आ भी सकता है कोई बड़ा हादसा नहीं होता तो फिर मैं नहीं समझता कि मार्च में कौमी असम्बली पे सेनेट में आने के बाद पीपल्स पार्टी क्योंकि कितनी सीटें होंगी काफ़ की देखें दो सीटें डार साहब और वो हमारे जो एल हदीसों के हैं वो चले जाएँगे अगर वहाँ से सात आठ या दस सीटें आ जाएंगी इसके मुकाबले में तीस से चालीस सीटें पीपल्स पार्टी ले जाएगी काफ़ की एक सीट है पंजाब से तो ये इसमें पीपल्स पार्टी एक हाउस में चले जाने के बाद वो दूसरे हाउस के लिए अपने काम को शुरू कर देगी और इस सिलसिले में मैं ये क्रेडिट देता हूँ आसफ़ जरदारी को कि उन्होंने ताश ठीक तौर पर लगाई है और अगर नून लीग जिस पर के सारा दारोमदार है अपोजिशन करने का तीन साल तो वो खाने खानों में उन्होंने गुजार दिया एक साल उन्होंने बग़ैर इलेक्शन के अब एक साल में इलेक्शन भी करवा दिया सो कार्ड इलेक्शन जिसकी के लोगों के लिए कोई खबरियत नहीं थी किसी ने नहीं सोचा था कि वहाँ अली शाह सदर बन जाएंगे सो ये चार साढ़े तीन पौने चार साल तो इसी मखमसे में गुजर गए आखिरी साल तो वैसे इलेक्शन का होता है और उस एलैक्शन में एक अरबन एरिया में नून की वोटें इतनी टूट जाएंगी सुबह सरहद और सिंध में उनकी कोई शेर साहब शे देखें ये तो सियासी शतरंज में तो व्यूअर इंटरेस्ट ले लेता है लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब्सटेंटिवली क्या ये जो सियासी सोच है आवाम की जमहूरीत के आने के बाद मुशरफ साहब के बाद उसमें तीन साढ़े तीन साल में मीडिया के ज़रिए जुडिशरी की रेलिटिव इंडिपेंडेंस के ज़रिए क्या ये सोच में कुछ ऐसी तब्दीली आई है कि आगे की सियासत मुख्तफ हो सकेगी क्या हम एक मेचोर डेमोक्रेसी बनने की तरफ जा रहे हैं या फिर वही जो नाइन्टीज़ का चक्कर है वही दोहराया जाएगा बस फर्क ये होगा कि दो साल की जगह पाँच साल का मजाक किया जाएगा कॉम के साथ भाई इसका फ़ैसला अगर इलेक्शन हुआ तो उसमें हो जाएगा हम भी ये देखना चाहते हैं हमारा ख्याल है कि लोग बदल रहे हैं लोग समझ गए हैं कि ये दोनों पार्टियाँ एक ही सोच की पार्टियाँ हैं लेकिन इसका अमली मुजाहरा करती हैं या उस वक्त फिर किसी और तरह मसा है ना बिरयानी आप और इमरान खान बिरयानी नहीं और आटे की बोरी नहीं पहुँचाते रात की जो तंदूर इनका जो है वो आपकी वजह से नहीं जलता और हालांकि आप सुबह इन्हें लाते भी नहीं मारते जो वो लोग मारते हैं लेकिन वो कहते हैं कि भाई शेख साहब बड़ी अच्छी बातें करते हैं खान साहब बड़ी अच्छी बातें करते हैं लेकिन हमारी रियालिटीज़ तो अपने वडेरों के साथ जुड़ी हुई हैं और वो जिस पार्टी के साथ जाएंगे इसका फैसला हो जाएगा इस रमजान में ग्रुप बंदी शुरू हो जाएगी एक ये सराकी बेल्ट का भी ग्रुप आ जाएगा उसका जो भी नाम आप दें और कुछ इतहात भी हो जाएंगे ईद के बाद सियासत गर्म होगी और अगर ये नवंबर दिसंबर से पहले पहले कोई रिजल्ट ले आती है तो वेल एंड गुड वरना फिर सारे इसी तनख्वाह पे काम करेंगे और इलेक्शन में जिस किस्म के हालात से हम गुजरे हैं देखो ना एन ने क्या किया आजाद कश्मीर में मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये डबल डिजिट नहीं होंगे और ये डबल डिजिट नहीं हुए नौ आठ नौ वोटों पर रहे और सारी वोटें इन्होंने तकसीम की और फैसला सारा फ़ायदा इन्होंने पीपल्स पार्टी का पहुँचाया अब पीपल्स पार्टी की भी यही स्ट्रेटजी होगी कि फैज़ाबाद से फैसलाबाद तक अर्बन एरिया की नवाज़ शरीफ की वोट डिवाइड हो जाए और वहाँ कोई और ग्रुप भी सीटें ले जाएँ और पीपल्स पार्टी का जो आसफ़ जरदारी बतौर लीडर आया है वो बड़ी अजीब किस्म की सोच लेकर आया है वो हर उस आदमी से ज़्यादा बात करता है जो उसका मुखालिफ हो और अपने हामियों को कम लिफ्ट कराता है ये स्ट्रेटजी पहली दफ़ा ये आसफ़ जरदारी डॉक्टरन आई है कि जो उससे ज़्यादा धमा चौकड़ी करता है जोडो कराटे करता है उससे ज़्यादा शेख साहब एक ब्रेक की तरफ हम, हम जाएंगे लेकिन मैं आपसे ब्रेक पे आने से आने के बाद आपसे एक कंस्परीसी थ्योरी के हवाले से पूछूंगा कि कहा जाता है कि जरदारी साहब जिस तरह आपने उनकी सियासत की बात की जावेद हाशमी साहब भी कह चुके हैं कि उनकी तो सियासत समझने के लिए पता नहीं क्या पी एच डी करना पड़ेगा वगैरह तो उन्होंने एक आर्मी के हवाले से और नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से जो सियासत बनाई थी वो तो सामने अब नज़र आ रहा है कि कामयाब चली है अब एम क्यू एम का एक मसला है एक कंस्पेरिसी थियोरी ये भी कहती है कि ये जरदारी साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं बन जनरल आसिफ नवाज के या नवाज़ शरीफ के या इवन नसीरुल्लाह बाबर और उस वक्त की पीपल्स पार्टी से वो एम क्यू एम पे कोई ऑपरेशन नहीं करवाएंगे उनको सिम्पति वोट नहीं लेने देंगे वो पोलिटिकल टर्फ़ एम क्यू एम की जो है वो पॉलिटिकल प्लेयर्स से जो है वो छीनने की कोशिश करेंगे एएनपी अमन कमेटी हकीकी सुन्नी तहरीक वगैरह वगैरह तो क्या इस बात में भी सदाकत हो सकती है क्या एम अब जरदारी साहब की शतरंज की अब नेक्स्ट विक्टम लिया या नहीं इस पर बात करेंगे शेख रशीद अहमद साहब से एक ब्रेक के बाद